वहीं भाजपा के पसमांदा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कानपुर के भी नेता एक्शन में हैं। कानपुर की मुस्लिम बस्तियों में घूम घूमकर नेताओं ने इसमें शामिल होने के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता इलाके में घूमते हुए दिखाई दिए। कानपुर से देखते हैं अब संवाददाता रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि सभी 80 सीटें जीतनी है, लेकिन जानकार भी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी आखिरकार जीत कैसे पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है और कह रही है कि 80 सीटें हम जीत लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को लगा दिया गया है मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। पसमांदा सम्मेलन कराया जा रहा है लखनऊ में, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे जमीनी रूप से जुड़ गए हैं मुसलमानों को इस पार्टी से जोड़ने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब तक मुस्लिमों के लिए अछूती रही है। लेकिन 2022 में 8% वोट अल्पसंख्यकों का भी मिला था, और देखिए घर घर जाकर दुकान दुकान जाकर के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं। और 16 तारीख को जो पसमांदा समाज का बड़ा सम्मेलन होने वाला है उसके लिए बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सब लोग मुख्यधारा में शामिल हों, जो पिछड़ा है, जो पिछड़ा देश का पिछड़ा, मुसलमानों में भी पिछड़े हैं, वो पिछड़े जो हैं मुख्यधारा में शामिल हों। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी का सपना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लखनऊ पहुँचें और हमारे हाथों को मजबूत करें। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपके समाज के लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या लगता है, भरोसा है आप? बिल्कुल भरोसा है जी, भरोसा है, बिल्कुल है। सरकार दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है सर आगे, बाकी तो चल ही रहा है, आपके सामने देखने के लिए है ही है। आप लोगों के बीच ये लोग आए हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं, हमने देखा 2022 में 8% मुस्लिमों ने बीजेपी को भी वोट दिया, कोई फायदा मतलब कुछ लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं वो ठीक है? सही है। आप लोग इनका निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं? अनंत जी किस तरह से निमंत्रण दे रहे हैं? सबके पास जा जा के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। दादा बताइए भाई, अब हमारे दिल से डर निकल रहा है। किस चीज़ का डर था? जो बीजेपी के बारे में लोगों ने डर पैदा कर दिया था, अब वो मुसलमानों के दिल से बीजेपी के डर निकल रहा है। आप बीजेपी जो है वो हमारी हमदर्द है और हमारे लोगों के लिए ही काम कर रही है। कौन डरा रहा था आपको? अब तमाम पार्टियां या तमाम लोग हैं, उस पर किसका नाम बताया जाए। हाँ, अब वो डर जो है दिल से निकल गया। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।